नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। नेशनल एजुकेशन कमेटी 8 फरवरी 2021 सोमवार NSE मुख्यालय बुलढाणा महाराष्ट्र में माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन की 2 वर्ष पूर्ण तीसरे वर्ष का 47वां दिन आज के अनशन की विशेषता NSE मुक्ताई नगर टीम ने की अनशनकर्ताओं की भेंट माननीय जिला मजिस्ट्रेट बुलढाणा को ज्ञापन सदन। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, वो काफ़ी टाइम से बुलढाणा महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं और उनके इस आंदोलन का तीसरे वर्ष का 47वां दिन पूर्ण हो गया और 2 वर्ष तो पूरे हो गए और तीसरे वर्ष का भी 47वां दिन पूर्ण हो चुका है और NSE मुक्ताई नगर टीम ने जिला मजिस्ट्रेट बुलढाणा को ज्ञापन भी सौंपा है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में वो एक बुलढाणा महाराष्ट्र में काफ़ी टाइम लगभग 3 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, उसी से संबंधित ये अपडेट आ रही है फ्रेंड्स कि उन्होंने मुक्ताई नगर टीम है वो NSE की, उन्होंने अनशनकर्ताओं की भेंट हुई और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट बुलढाणा को ज्ञापन भी सौंपा है। तो अब जिस तरह मैं देख रहा हूँ ईपीएस 95 पेंशनरों की हलचल और विभिन्न जगह धरना प्रदर्शन, तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप सभी की मांगें अब जल्दी पूरी होने वाली हैं। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA की मुराद अब जल्दी पूरी होगी, आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।